हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो होम। आज का मेरा वीडियो गार्डनिंग के ऊपर है। आज के वीडियो में मैं 8 हेल्दी गार्डनिंग टिप्स बताने जा रही हूँ जो मॉनसून में बहुत काम आने वाला है। फ्रेंड्स, मॉनसून के लिए हम अपने गार्डन को कैसे तैयार करें, कैसे साफ सफाई करें, इसके ऊपर मैं अपना वीडियो बना चुकी हूँ अपने गार्डन का, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार चेक कर लें। फ्रेंड्स, 8 हैबिट्स में से 8 टिप्स में से जो पहला टिप है वो ये है कि इस तरह के छोटे छोटे पॉट हम अपने बड़े बड़े पॉट्स के बीच में या कहीं कॉर्नर वगैरह में सेट कर देते हैं और जिस पे बार बार हम ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉनसून में खास करके उन पॉट्स को बाहर निकालें और उसकी साफ़ सफाई कर लें, उसके सूखे पत्तों को हटा दें इस तरह से। साथ ही साथ अगर आपके पत्ते की टिप खराब हो रही है तो उसकी कटिंग कर लें। कोई पत्ता अगर ज़्यादा लंबा हो रहा है, कोई लीफ बहुत लटक रहा है, नीचे की साइड से झुक रहा है, तो उसे भी कट करके हटा दें, क्योंकि मॉनसून में अपने आप ही प्लांट ऊपर की साइड बहुत अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो इस तरह से प्लांट के एक्स्ट्रा पत्तों को हटा दें और अपने प्लांट को एक सुंदरता भी दें, उसकी केयर करें। फ्रेंड्स, मॉनसून हो या कोई भी सीज़न हो, मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है, तो मिट्टी की गुड़ाई भी कर लें। ध्यान ये रखें मॉनसून में कि जिस दिन बारिश हो उस दिन गुड़ाई कभी भी ना करें। जब धूप खिलता है उसी वक्त आप मिट्टी की गुड़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने पॉट को रेडी रखें। फ्रेंड, आप ये देख रहे हैं, ये एक इसका जो शूट है ये टूट गया था। तो स्पाइडर प्लांट की बहुत अच्छी खासियत है कि जो भी शूट हो, नया नया शूट होता है, उसे आप हल्का सा मिट्टी में दबा देंगे तो ये अपने आप ही ग्रो कर जाता है। तो इस तरह से आप नया प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं। जो हमारा अगला टिप है, सेकेंड टिप है, ये हमारे जो पॉट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं पानी अटक जाता है, ड्रेनेज होल होने के बावजूद किसी पॉट में हो सकता है कोई परेशानी हो और इस तरह से पानी अटकता है। तो आप अपने पॉट में से हमेशा पानी को खाली करके रखें, जिससे डेंगू वगैरह की कोई परेशानी ना हो और आपका जो प्लांट है वो एकदम हेल्दी ग्रो कर सके। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो हम एक पॉट में एक ही रखने की चॉइस रखते हैं, तो ऐसे प्लांट के नीचे अगर कोई दूसरा नया शूट निकल रहा है तो उसे आप कट कर लें, निकाल दें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब ये बड़े हो जाएंगे तो आपके लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा। फ्रेंड, अगला टिप ये है कि मॉनसून के दिनों में तेज बारिश में प्लांट्स जो हैं वो झुक जाते हैं। तो ऐसे प्लांट्स जो झुक जाते हैं उसे आप एक स्टिक की सहायता से सहारा दें, इस तरह से स्टिक लगाएं उसके साइड से, और हो सके तो किसी डोरी वगैरह से या केबल वायर वगैरह आता है उससे आप उसे बांध दें एक साथ, तो ये झुकेंगे नहीं चाहे कितनी भी बारिश हो। तो इस तरह से प्लांट की केयर करें, ये आगे ऊपर अच्छे से ग्रो करेंगे। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो बेल की तरह बढ़ते हैं, जैसे ये एक बेल है, और ऐसे बहुत सारे बेल होते हैं, जैसे मनी प्लांट हो गया या और भी कई सारी सब्जियों की बेल होती हैं। तो जब हम वो लगाते हैं तो उसकी जो नई शूट्स होती हैं वो दूसरे प्लांट्स पे चली जाती हैं, तो उसे आप वहाँ से निकाल कर आप अपने उसी प्लांट पे ग्रो करें, उसी हाइट पे रखें जितना आपने उसके लिए डिसाइड किया है। क्योंकि अगर ये दूसरे प्लांट पे ग्रो करने लग जाएंगे तो उस प्लांट को भी नुकसान पहुँचेगा और ये भी ठीक से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो आप इसे उसी हाइट पे रखें जो आपने डिसाइड किया है, और इस तरह से आप उसकी केयर करें अच्छे तरीके से, इसे आप उसी जगह पर फैलाएं। ये मेरा छोटा है, आपका बेल जितना बड़ा हो उस हिसाब से आप उसको हाइट दें और उसे जगह दें। तो इस तरह से आप उसकी केयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे बेल होते हैं। जो मेरा अगला टिप है फ्रेंड, वो ये है कि
हम क्या करते हैं कि जब हम पत्तों की कटिंग करते हैं, किसी पौधे की कटिंग करते हैं, तो उसके पत्ते वगैरह हम गमले में डाल देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, जिससे कि वो खाद बन जाए। और ऐसा गर्मी में करना सही है, मॉनसून के दिनों में इस हैबिट को रोक लें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके नीचे ये देख रहे हैं आप, स्नेल बोलते हैं इस इंसेक्ट को, और इस तरह से वो पनप जाते हैं। ये देखिए किस तरह से पनप रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पत्ते वगैरह कचरा यहाँ पे इस गमले में रखा हुआ था, इसी की वजह से। ये देखिए ये इस तरह का देखने में रहता है, और ये हमारे पौधों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है। तो इसे हमेशा साफ रखें, इस तरह से कोई भी पत्ता वगैरह ना रहने दें, और अपने पॉट की साफ़ सफाई रखें। फ्रेंड्स, जब भी हम सफाई करते हैं तो इस तरह से कचरा फैल जाता है, तो उस कचरे को वहाँ से उसी वक्त साफ़ कर लें, जिससे कि आपका जो गार्डन है वो हेल्दी रहेगा और कोई भी स्मेल नहीं आएगी, गंदी स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि पत्ते सड़ेंगे तो स्मेल तो आना ज़रूरी है। तो इसकी साफ़ सफाई हमेशा करते रहें। फ्रेंड्स, अगला टिप है कि हमारे जो कोई भी प्लांट होता है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा प्लांट्स आ जाते हैं, खरपतवार, तो उसकी हमेशा साफ़ सफाई करते रहें। फ्रेंड्स, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और आगे से आगे इसी तरह से अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। इसके लिए बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।